गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम आज प्लस वन फिजिक्स के अंदर हैं गाइज। कल हमारा जो लास्ट वीडियो में टाइटल चल रहा था एडिशन ऑफ वेक्टर, हमने आपको बताया था व्हेन एवर टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सिचुएटेड एट एन एनी एंगल, कि जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर किसी एंगल के ऊपर है तो हम कैसे ऐड करेंगे। तो गाइज कल के कंक्लूजन निकल करके आया था जिस चीज़ को हम फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, वहाँ बोला जा रहा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज़ द अल्टीमेट लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए ट्राइंगल लॉ अल्टीमेट एंगल है, अल्टीमेट एडिशन रूल है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्राइंगल था, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी दो दो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई हुए, और उसके बाद जब पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आया तो पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐड हुए। इट मीन्स टू और मोर देन टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन व्हेन कंबाइंड विद ईच अदर देन दे विल मेक्स द पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलो ये सारी बातें हो गई, मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि आज हम डेरिवेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अलग है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेरिवेशन अलग है गाइज। डिराइव करेंगे किसी चीज़ को तो सबसे पहले एक बात आती है कि इनिशियली यू आर प्रोवाइडेड लिखनी होती है ये बातें सारी बच्चा, कि इनिशियली यू आर प्रोवाइडेड द टू वेक्टर, वेक्टर पी एंड क्यू, कुछ बुक और कुछ टीचर। पी क्यू को ए बी या एक्स और वाई वेक्टर भी मान लेते हैं, तो चलो जो भी मानना है मानिएगा। यू आर प्रोवाइडेड टू वेक्टर, दे आर सिचुएटेड एट एनी एंगल, दो वेक्टर हैं और वो किसी एंगल के ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं, एंड दैट एंगल इज थीटा, थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। अब एक बात आती थी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन है कि द रिजल्टेंट इज दैट वेक्टर विच पास थ्रू द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। रिजल्टेंट दोनों के दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाले एंगल से पास होने वाला लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट डायगोनल होगा। तो यहाँ पर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर जो रेस्पेक्टली ओ ए और ओ बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इनके बीच में जो एंगल थीटा है इनका लार्जेस्ट डायगोनल ये जो ओ सी है, ओ सी इज़ द लार्जेस्ट डायगोनल रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर वेक्टर, बी एक्स एज द रिजल्टेंट। अब हमने क्या किया गाइस, पहले तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली, उसके बाद डेरिवेशन प्रूव करने के लिए क्या किया, सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ओ ए पर आगे बढ़ाने पर डाल दिया। व्हेन वी स्टार्ट टू एनलार्ज द ओ ए अप टू ए डी देन फॉल ए परपेंडिकुलर, उस टाइम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है या फॉल डाउन किया है। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी ऑन ए डी या ओ डी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसका मतलब अब हमारे पास एक ट्राइंगल तो ए सी डी बन गई गाइज, ये जो इधर दिख रही है, नाउ दिस इज द ट्राइंगल ए सी डी, ये एक ट्राइंगल है। और दूसरा अगर देखा जाए तो कंप्लीट हमारे पास ओ सी डी पूरी की पूरी जो एक बीटा एंगल के ऊपर है, एक ट्राइंगल बड़ी वाली बनी हुई है। बड़ी वाली ट्राइंगल के अंदर ओ सी इज एक्ट एज द हाइपोटन्यूज, बी एक्ट एज द रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाई द कैपिटल आर। तो आपको क्या करना है गाइज, एक बार तो पहले डेरिवेशन करवाएंगे हम, फिर उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे कि आप इस डेरिवेशन को कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले इस छोटी वाली ट्राइंगल में लिखा गया है पी वैक्टर जो है वो ओ ए के बराबर है और क्यू वैक्टर है वो ओ बी के बराबर है। उसके बाद बोला गया है कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ड्रॉ द सी डी परपेंडिकुलर टू ओ ए, ओ ए के ऊपर सी डी परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे। अब छोटे वाली जो ट्राइंगल है ए सी डी एज आई टोल्ड यू, इस छोटे वाली जो ट्राइंगल है इसके अंदर बच्चा साइन थीटा निकालो। साइन थीटा निकालने के लिए पता होगा आप लोगों को ये मैथ की टीचर बताती होगी पी बी पी अपोन एच एच बी, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जो भी वट एवर आप मानते हैं। तो पी वाई एच साइन बी वाई एच कोस पी वाई बी टेन, आप एंगल ले लीजिएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटन्यूज, दैट मीन्स सी डी ये रहे सी डी और अपोन ए सी ये आपका ए सी है। तो आपने साइन थीटा में सी डी बाई ए सी ले लिया, बच्चा सी डी इधर ए सी को उधर ले जाओ तो सी डी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा। सी डी नीचे सी डी है, ए सी ये रहा ए और ये रहा सी, बोला गया था कि ए सी किसके बराबर है
ओ बी क्यू वैक्टर है और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस बराबर होता है, सो ओ बी इज इक्वल टू ए सी, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है बराबर होगा क्यू वैक्टर के बराबर है, सो सी डी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, इक्वेशन वन मान करके सेव कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे वाली ट्राइंगल से सी डी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा आ गया। उसके बाद छोटी वाली ट्राइंगल में ही दोबारा से बोला गया अगेन इसमें कोस थीटा निकालना है, तो गाइज अगर कोस थीटा निकालेंगे तो ये सेकंड फैक्टर बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि ए डी बाई ए सी, तो ये आ गया कोस थीटा ए डी बाई ए सी। हमने क्या किया, ए डी इज इक्वल टू ए डी ये रहा, ए डी इज इक्वल टू ए सी कोस थीटा, अगेन ए सी इज इक्वल टू क्यू, तो हमारे पास ए डी इज इक्वल टू क्यू कोस थीटा, दो इक्वेशंस आ गई, दोनों की दोनों सेव कर ली। उसके बाद कह रहे गाइज इसी छोटे वाली ट्राइंगल के अंदर एक बार पाइथागोरस और लगा दो, तो छोटे वाली ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस लगाए तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर, ये यहाँ तक का काम कर लिया हमने। अब कह रहे गाइज फोर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंपेयर करिएगा, तो जब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट या कंपेयर करेंगे तो ट्राइंगल लेनी पड़ेगी ओ सी डी। इस ट्राइंगल में सब कुछ सही है, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है गाइज कि ओ डी जो है वो दो लेंथ का कम एडिशन है, ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी इसमें है, तो अब हम वैसे तो क्या करेंगे, सिंपल आ गया हमारे पास ओ सी डी में, इन ट्राइंगल ओ सी डी ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। आप ओ डी को इक्वेट करेंगे या ऑपरेट करेंगे ओ डी को, ओ डी ओ ए प्लस ए डी है, तो हमारे पास आएगा ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ओपन कर दिया गया है, ओ ए स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर प्लस टू ओ ए इंटू ए डी प्लस सी डी स्क्वेयर। अब गाइज एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट है इस ब्रैकेट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है इस स्टेप के बाद, ओ ए स्क्वेयर ऐसे कैसा, ए डी स्क्वेयर ये रहा और सी डी स्क्वेयर ये रहा, इन दोनों को बच्चा टाइम बीइंग के लिए इकट्ठा कर दो, ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर और साथ में टू ओ ए इंटू ओ डी ऐसे कैसे रख दिया। अब पहली इक्वेशंस में जब पाइथागोरस लगाई थी वहाँ से पता चल रहा है कि अगर कभी भी किसी जगह पर सी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर अगर एक साथ आ गया तो उसकी जगह पर आप ए सी स्क्वेयर रख सकते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों आ गए इसीलिए यहाँ पर ए सी स्क्वेयर, तो ओ ए स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर प्लस टू ओ ए इंटू ओ डी। अब आओ ओ ए स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर प्लस टू ओ ए और ओ डी, ओ डी को सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर दिया एंड दैट इज इक्वल टू क्यू कोस थीटा, तो ये हमारे पास से बात निकल करके आई है कि किस तरह से आपने इस चीज़ को इक्वेट करने की कोशिश की। अब कह रहे हैं कि सबकी वैल्यू रखो बारी बारी से, तो सबकी वैल्यू अगर रखें तो ओ ए इज पी वैक्टर, ए सी इज इक्वल टू क्यू वैक्टर, टू टू रहा, ओ ए इज इक्वल टू फिर से आ गया पी वैक्टर, तो इसका मतलब और ओ सी, ओ सी हमारे पास ये है आर वैक्टर, इसका मतलब आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा। अब कह रहे हैं आर स्क्वेयर है, अगर आपको आर निकालना है तो ये सारी चीज़ अंडर रूट में चली जाएगी, बहुत अच्छा फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए भी कि आर वैक्टर है तो आपके पास से सिंपल टूटेगा, खाली आर है तो अंडर रूट के अंदर जाएगा, खाली आर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ओनली, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो बच्चा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा, इसको हम कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वेयर ऑफ सेकेंड वेक्टर प्लस टू फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कोस कंपोनेंट, सारी चीज़ अंडर रूट में, यहाँ तक तो आ गई बात। अब राइटर कह रहे हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर नीचे से कितने डिग्री के एंगल पर गया है एंड दैट इज बीटा, उस एंगल को हमने बीटा एंगल बोला है, तो कह रहे हैं कि और आपको भी पता है कि अगर किसी जगह पर हम साइंटिफिक डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहे तो फॉर कैलकुलेटिंग द साइंटिफिक डायरेक्शन वी मस्ट रिक्वायर द टेंजेंट थीटा, हमें उस जगह पर टेंजेंट थीटा की जरूरत है, तो बड़े वाली ट्राइंगल में ही ये एंगल निकला है, दोबारा से बड़ी वाली ट्राइंगल ओ सी डी में आप टेंजेंट बीटा निकाल दीजिएगा, तो गाइस टेंजेंट बीटा वैसे तो निकलेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इसको अगर मैं थोड़ा सा करूं तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है सी डी और बेस हमारे पास है ओ डी,
और फिर से ओडी जो आया तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन, इसको फिर से लिखेंगे ओ ए प्लस ए डी, ये ऐसा लिख दिया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा सारी चीज़ें आपके पास है, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू निकाल रखी है क्यू साइन थीटा, ये यहाँ पर सेव है सी डी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, और नीचे लिखा हुआ है यहाँ हमारे पास ओ ए, ओ ए पी वैक्टर है, और ए डी की वैल्यू ये निकाल रखी है कि हमारे पास जो ए डी है वो क्यू कोस थीटा है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। अब सबसे संभल के चल रहे हैं बच्चा, टेंजेंट बीटा निकला है ये और हमें निकालना है एंगल, तो वैसे एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया गया है, अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं बता रहा हूँ, बीटा इधर उधर जाएगा तो एक बार बीटा इज इक्वल टू वन बाई टेंजेंट आ जाएगा नीचे, ये टेंजेंट इधर, और फिर से सेम क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा, फिर जो चीज़ नीचे है वो ऊपर जाएगी तो टेन इनवर्स हो जाएगी, इसलिए बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा, ये चीज़ निकल करके आएगी गाइस। डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के बहुत डेरिवेशन आने वाले हैं आगे फिजिक्स में। अब बात आती है कि सर याद कैसे रखेंगे, पहला डेरिवेशन है वैसे देखा जाए तो प्लस वन में, इस तरह से जाएंगे तो लगभग 900 प्लस डेरिवेशन है हमारे पास प्लस वन में। आप सोचें कि कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको बच्चा याद रखने का तरीका बता देता हूँ, आप ये डायग्राम याद रख लें, डायग्राम याद अगर है आपको तो उसके बाद फिंगर्स पर ले आएंगे हम डेरिवेशन को। आपको क्या करना है, छोटे वाली ट्राइंगल में साइन थीटा निकालना है, छोटे वाली ट्राइंगल में कोस थीटा निकालना है, छोटी ट्राइंगल में पाइथागोरस निकालनी है, बस। फिर से सुन लो, छोटी ट्राइंगल में साइन थीटा, छोटी ट्राइंगल में कोस थीटा, छोटी ट्राइंगल में पाइथागोरस, छोटी ट्राइंगल की ये तीनों चीज़ें बड़े वाली ट्राइंगल में पाइथागोरस निकाल करके ये तीनों वैल्यू रख देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देख लो, पहले छोटी ट्राइंगल में साइन थीटा निकाला, छोटी ट्राइंगल में कोस थीटा निकाला, छोटी ट्राइंगल की ये पाइथागोरस रही, बड़े वाली ट्राइंगल में तो सिर्फ पाइथागोरस लगाई है, ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, और इसको मैथमेटिकल टूल से सोल्व किया है बस। तो बच्चा डेरिवेशन याद रखने का तरीका, छोटी ट्राइंगल में साइन थीटा, छोटी में कोस, छोटी में पाइथागोरस, बड़े वाली में पाइथागोरस लगा करके छोटी की तीनों वैल्यू रख देना, यू शुड ऑब्टेन योर रिजल्ट, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आपको डेरिवेशन याद करने हैं। अब भी अगर भी कोई प्रॉब्लम हो तो गाइस फिर से पूछ लीजिएगा, अदरवाइज एक स्क्रीनशॉट ले लो।